मुलायम से समझौते की उम्मीद लगभग खत्म, अखिलेश बना सकते हैं यूपी में कांग्रेस और जेडीयू के साथ महागठबंधन, आरएलडी भी हो सकते हैं शामिल। मुलायम का दावा, न पार्टी टूटेगी न चुनाव चिन्ह बदलेगा, विवाद के लिए राम गोपाल को ठहराया जिम्मेदार, चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग कल देगा फैसला। पंजाब और गोवा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट, नाम लगभग तय, 4 फरवरी को है चुनाव। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी का वार, कहा कांग्रेस से लौटने पर ही आएंगे अच्छे दिन, मनमोहन बोले मोदी राज में तो और बुरे दिन आने। को वेंकैया नायडू का जवाब, कहा सपने देखना छोड़े 2019 तो क्या 2090 तक नहीं आने वाली कांग्रेस। मुंबई में ओवैसी ने भी पीएम मोदी की मिमिक्री की, कुर्ला की सभा में बीएसएफ जवान की शिकायत का मुद्दा उठाया, कहा पीएम को नहीं है जवानों की तकलीफ का एहसास। तिरंगे वाले डोरमेट पर तीखी प्रतिक्रिया, विदेश मंत्री सुषमा ने अमेजोन को तुरंत प्रोडक्ट को हटाने के लिए कहा, माफी नहीं मांगने के बाद रद्द किए जाएंगे अमेजोन के अफसरों के वीजा। स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी खंडेरी की लॉन्चिंग आज मुंबई के मझगांव डॉक में उतारी जाएगी, आज समुद्र में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे रहेंगे मौजूद। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का प्रोजेक्ट फ्रांस की टीसीएनएस कंपनी की मदद से चल रहा है, सीरीज की पहली पनडुब्बी कलवरी जून में नेवी में शामिल। दिल्ली सरकार के कई फैसलों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर चल सकते हैं क्रिमिनल केस, पूर्व एलजी नजीब जंग का दावा, कहा चुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में है उन फैसलों का जिक्र। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को भी मिलेगी जयप्रकाश सेनानी सम्मान के तहत ₹10,000 महीना पेंशन, बिहार सरकार ने मंजूर किया आवेदन, 1974 में 6 महीने से ज्यादा रहे थे जेल। विदेशी चंदा लेने वाले एनजीओ को सरकार की ओर से फिर चेतावनी, गृह मंत्रालय ने कहा चंदे का ब्यौरा नहीं दिया तो तैयार रहे कार्रवाई के। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बनाया जा रहा है सूर्य नमस्कार का नया रिकॉर्ड, योग गुरु रामदेव बालकृष्ण मौजूद, शीर्षासन और पुशअप समेत 4 और रिकॉर्ड भी शामिल। इलाहाबाद में पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही माघ मेले की शुरुआत, श्रद्धालुओं का भारी हुजूम, 45 दिन चलेगा माघ मेला। नेशनल यूथ फेस्टिवल आज से हरियाणा के रोहतक में, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित, गृहमंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में आज के दिन कल से ज्यादा ठंड, सफदरजंग में सुबह 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा, विजिबिलिटी रही 300 मीटर। जम्मू कश्मीर में 15 और 16 जनवरी को भारी बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग के मुताबिक -16 डिग्री से नीचे जा सकता है पारा। हिमाचल में भी 16 तारीख को भारी बर्फबारी का अनुमान, ठंड ने मुश्किलें बढ़ाई लेकिन सैलानियों की तादाद में कमी है। मेरठ के गंगानगर में यूपी के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर पर आचार संहिता उल्लंघन का केस, मंगलवार को पार्टी कार्यालय के उद्घाटन पर साइकिल बांटने का है आरोप। कानपुर में कांग्रेस के पूर्व सांसद राजा राम की गाड़ी से मिली बिना हिसाब के प्रचार की सामग्री, रोके जाने पर बेटे ने दिखाए तेवर, पुलिस ने जब्त की गाड़ी। यूपी के फैजाबाद में बीएसपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह बबलू पर आचार संहिता तोड़ने का मुकदमा, प्रशासन से पूछे बिना की मसौदा में जनसभा। यूपी के फतेहपुर में छोटे ट्रक से मिली साड़ियों से भरे 82 बॉक्स, मंत्री गायत्री प्रजापति के नाम से था पेमेंट, लाई जा रही थी अमिट। वाराणसी में एक स्कॉर्पियो कार से 14 किलो चांदी और 1,35,000 के नए नोट बरामद, पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सौंपा मामला। यूपी के इटावा में भी 2 गाड़ियों से 32 किलो चांदी जब्त, सोने के जेवर भी मिले, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कर सा रहे हैं जांच। यूपी के बुलंदशहर में भी होंडा सिटी कार से मिला 40 लाख कैश, चुनाव में इस्तेमाल किए जाने का शक, पकड़े गए लोग सिर्फ 20 लाख का दे पाए। कानपुर में लगातार दूसरे दिन पकड़ा गया कैश, चेकिंग के दौरान कार में बक्सों से मिले 1,07,00,000 के नए नोट, 5 लोग हिरासत। उन्नाव के बांगरमऊ में 4 बोरों में मिला पुराने नोटों का कतरन, 1,000 और 500 के नोट सड़क किनारे से पुलिस ने किया जब्त, आरबीआई को दी गई सूचना। वोटरों पर रौब के लिए यूपी के चित्रकूट में किराए पर नीली बत्तियां देने का खुलासा, कमिश्नर ने दी जांच के आदेश, होगी कड़ी कार्रवाई। कटियार ने राम मंदिर को बताया परमानेंट मुद्दा, कहा यह चुनाव का नहीं आस्था का विषय है लोगों के लिए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी को बताया पंजाब के अमन के लिए खतरा, मानसा की सभा में कहा हिंसा के लिए भड़का रहे हैं भगवंत मान। सुखबीर बादल का दांव, पंजाब में सिर्फ 23 सीटों पर है त्रिकोणीय लड़ाई, सीएम पर जूता फेंकने को बताया आम आदमी पार्टी की साजिश, चेतावनी। गुरदासपुर में नष्ट की गई 1,50,000 मिलीलीटर शराब, नहर के पास छिपाकर रखी गई थी, जमीन में चुनाव के वक्त इस्तेमाल किए जाने का था अंदेशा। पंजाब चुनाव में शराब के खेल पर नकेल, चुनाव आयोग ने सभी जिलों में बनाई स्पेशल सर्च टीम, हेल्पलाइन और अफसरों के नंबर भी किए जारी।
इस्माइल के मुद्दे पर अभय चौटाला का मुख्यमंत्री मनोहर लाल परवार, कहा अगर पंजाब में बीजेपी का प्रचार करने जाएं तो पहले सीएम के पद से दे इस्तीफा। दिल्ली में पूर्व नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज सातवां दिन, एक धड़े ने कहा हड़ताल खत्म लेकिन दूसरे ने कहा जारी है अभी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर फैसला। निर्भया गैंगरेप के दो आरोपी पवन और अक्षय ने की तिहाड़ जेल किसी दूसरे बैरक में शिफ्ट करने की मांग, दिल्ली की 30,000 कोर्ट में दी अर्जी, कहा बैरक में धमका रहे हैं कैदी। मुंबई से वाराणसी जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में तबियत बिगड़ने से 24 साल की महिला की मौत, पति ने फ्लाइट अटेंडेंट पर लगाया लापरवाही का आरोप। लखनऊ में पिता की डांट से नाराज 10वीं क्लास के लड़के ने की गोली मारकर खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा आई क्विट डैडी। महाराष्ट्र की राजगुरु नगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के 48 घंटे में फैसला, छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी को सुनाई 2 साल की सजा, 500 रुपए जुर्माना भी। 270 करोड़ की ड्रग्स स्विट्जरलैंड भेजने के मामले में गुजरात का ड्रग माफिया किशोर राठौड़ गिरफ्तार, एटीएस ने एमपी राजस्थान बॉर्डर से पकड़ा। मुंबई गोवा हाईवे पर पनवेल के पास एक कुएं में गिरा एक कार, लेकिन 25 फीट गहरे कुएं में गिरकर भी ड्राइवर सलामत, फायर ब्रिगेड ने बाहर निकाला। हरियाणा के सिरसा में महिला टीचर को सम्मोहित करके लाखों की ठगी, लेकिन पकड़े गए सोने की अंगूठी और कड़े उतरवाने वाले तीनों ठग। हिमाचल के ऊना में बीच सड़क पर फैमिली ड्रामा, पत्नी ने की पति और उसकी प्रेमिका की पिटाई, चोरी छुप के शादी करने की तैयारी में थे दोनों। पानीपत के एक स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास अटेंड ना करने पर एक छात्रा की बेरहमी से पिटाई, आरोप मैथ टीचर पर, परिवार ने लिखाई थाने में जाकर रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भालू की दहशत, खटीमा के एक गांव में एक महिला और दो बच्चों पर किया हमला, अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। यूपी के सोनभद्र में एक रजिस्ट्रार की संदिग्ध मौत, एक पुल के पास बरामद हुआ शव, हत्या का अंदेशा लेकिन आरोपी का सुराग। बिहार के मोतिहारी में हफ्ते के भीतर तीसरी बार पकड़ी गई चरस, सुगौली स्टेशन पर एक लावारिस झोले से मिला 1 करोड़ की कीमत का चरस। जयपुर में युवती से गैंगरेप पर सियासत और गर्मा गई है, आरोपियों में से एक भी गिरफ्तार नहीं, एबीवीपी ने ह्यूमन चेन बनाकर दी आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान के राजसमंद में एक ज्वेलर ने पुलिस पर लगाया झूठे मामले में फंसाने का आरोप, कहा चोरी के जेवर खरीदने में फंसाया जा रहा है, पुलिस ने शुरू की। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI ने 15 करोड़ का सामान जब्त किया है, DRI की रेड में कीमती मोबाइल और काफी संख्या में विदेशी घड़ियां मिली। यूपी के मिर्जापुर में दहेज उत्पीड़न का मामला, जली हालत में महिला को भर्ती कराया गया अस्पताल में, ससुराल वालों का दहेज की मांग का आरोप। यूपी के अमरोहा में तेंदुए के डर से गांव में सन्नाटा, बिबड़ा खुर्द गांव के लोगों ने बंद किया खेतों में जाना, खुद दे रहे हैं शिफ्टों में पहरा। यूपी के देवरिया में 13 साल के लड़के की हत्या, शाम को डांस क्लास के लिए निकला था घर से, सुबह रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुई लाश। यूपी के देवरिया में कर्ज में डूबे किसान ने ट्रेन के आगे कूद कर की खुदकुशी, बैंक का 2.5 लाख का कर्ज न चुका पाने पर था तनाव। यूपी के कुशीनगर में एक व्यापारी की गला रेतकर हत्या की कोशिश, मरा हुआ समझा गया सड़क के किनारे फेंका, हफ्ते भर पहले पत्नी की भी हुई थी हत्या। यूपी के फतेहपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर से मांगी गई 30 लाख की फिरौती, बदमाशों ने रकम न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। जम्मू कश्मीर की बीजेपी पीडीपी सरकार ने पेश किया अपना तीसरा बजट, राज्य के 5 लाख कर्मचारियों को सातवां वेतन मान देने की घोषणा, अप्रैल 2018 से मिलेगा। पीएम मोदी के मन की बात अब किताबों की शक्ल में, दिल्ली बुक फेयर में लॉन्च हुई लेखक राजीव गुप्ता की किताब, मोदी के आइडियाज का किया कलेक्शन। हरियाणा प्रवासी दिवस के आखिरी दिन हरियाणा सरकार ने साइन किए 20,000 करोड़ के 24 MOU, 43,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। हरियाणा प्रवासी दिवस में पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, कहा दुनिया भर में नर और मेहनत का डंका बजा रहे हैं हरियाणा के लोग। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर पर अब कहलाएंगे असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर, सीएम वसुंधरा राजे ने मंजूर की 16 साल पुरानी मांग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। दिल्ली में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की ईमानदारी, सड़क पर मिला डॉलर और नई करेंसी से भरा पर्स, उसके मालिक तक पहुंचाया, 5,000 का इनाम भी ठुकराया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों को सलाह, मरीजों को सोशल मीडिया पर न बनाए दोस्त, साथ ही कहा सार्वजनिक कार्यक्रमों में मरीजों के सामने न पेश आए। आसाराम को खून की उल्टियां होने की बात झूठी, जोधपुर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा ऐसा कुछ नहीं, बराबर होती है मेडिकल जांच।
भोपाल नगर निगम ने रोकी 50 अफसरों की सैलरी, काम में लेट लतीफी का बताया दोषी, लोगों ने मुख्यमंत्री को की थी सीधी शिकायत। जिन्हें में पिछले साल सस्पेंड किए गए 9 छात्रों को मिली सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन की छूट, लेकिन छात्र संघ का फिर भी हड़ताल रद्द करने से इनकार। सरकारी राशन की दुकानों पर अरहर दाल बेचने की तैयारी, 70 रुपए हो सकता है भाव, सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव, राज्यों को डिस्काउंट पर दी जाएगी दाल। अब सिविल स्कोर से जुड़ेगी आपकी ईएमआई, जितना ज्यादा क्रेडिट स्कोर उतना सस्ता लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रेडिट स्कोर से जोड़ी होम लोन की दरें। गो एयर खरीदेगा 72 नए विमान, A320 विमान के दिए ऑर्डर, विमान खरीदने में आएगा करीब 52,000 करोड़ रुपए का खर्च। श्रीलंका की नेवी ने 2 भारतीय मछुआरों के पास 53 किलो भांग जब्त किया है, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई से नाव पर लेकर समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश का आरोप। चीन वियतनाम पर डाल सकता है भारत से मिसाइल समझौता न करने का दबाव, भारत वियतनाम में चल रही है आकाश मिसाइल पर बातचीत। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पहुंचे चकवाल में कटास राज मंदिर, मंदिर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया उद्घाटन, बोले अल्पसंख्यकों का है बराबरी का हक। ट्रंप ने चुनाव में रूसी हैकिंग की बात से एक बार फिर किया इनकार, कहा काम संभालते ही 90 दिन में रखेंगे इस बारे में रिपोर्ट। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ट्रंप टावर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टावर के बाहर लोगों ने किया पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा ट्रंप और उनके परिवार के रूस से बिजनेस रिलेशन नहीं किए जाएंगे सार्वजनिक, मीडिया जबरन न दे खबरों को। तू ट्रंप की जीत पर हैरान हो गए थे ओबामा, एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा मेरी पूरी टीम थी, नतीजों से बहुत चंगा। यमन का दौरा कर लौटे ब्रिटिश सांसद ने बताया खौफनाक हाल, 2 साल से गृह युद्ध में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान। सीरिया के उम्स में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बमबारी, सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ वीडियो, हताहतों की संख्या का अंदाजा। आईएसआईएस की टर्की और सीरिया आर्मी के साथ सीधी लड़ाई, आईएसआईएस ने जारी किया अल बाब इलाके में कब्जे की कोशिश वाला वीडियो। बोलिविया में सरकार ने 14 टन ड्रग्स को आग के हवाले किया, ड्रग्स की खेप में भारी मात्रा में था मरिजुआना। अमेरिका की कैलिफोर्निया, नेवादा और ओरेगन में भारी बारिश और बर्फबारी, सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी, घरों में भरा पानी। अर्जेंटीना में बाढ़ के दौरान भूस्खलन से सड़कों पर भरा कीचड़, कई घरों को नुकसान, 2 की मौत। आइलैंड के दक्षिणी इलाके में बाढ़ का कहर जारी, बाढ़ से रबर कारोबारियों को भारी नुकसान का अनुभव। फोर्ड कंपनी ने बंद किया मैक्सिको प्लांट, बड़ी संख्या में लोग हुए बेरोजगार, ट्रंप प्रशासन ने फोर्ड से की थी प्लांट बंद करने की अपील। अमेरिका के चर्चित टीवी शो में बतौर फर्स्ट लेडी आखिरी बार दिखी मिशेल ओबामा, 20 जनवरी को खत्म हो रहा है बराक ओबामा का कार्यकाल। बीसीसीआई में सुधार के लिए अहम जिम्मेदारी सिर्फ क्रिकेटर्स को सौंपने पर चर्चा, 2-3 दिन में आ सकता है लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर फैसला। साल 2017 की पहली वनडे सीरीज में विराट कोहली के पास बड़ा मौका, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन दिला सकता है आईसीसी वनडे रैंकिंग में 1 बल्लेबाजी की कुर्सी। पीसीबी को FICA से मिला बड़ा झटका, फेडरल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरनाक, रिपोर्ट में कहा विदेशी खिलाड़ी नहीं है सुरक्षित। और पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम के खिलाफ कराची के एक कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के साथ सड़क दुर्घटना का केस। 13 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी रूस की जिमनास्ट कुद्रेवत्सा का चौंकाने वाला फैसला, 19 साल की उम्र में किया संन्यास का फैसला। हॉलीवुड सुपरस्टार विन डीजल अपनी फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज के प्रमोशन के लिए भारत आएंगे, इस फिल्म से बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण अपने हॉलीवुड करियर की शुरुआत कर रही हैं, मुंबई में फिल्म के प्रमोशन के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।